हर बच्चे, हर बूढ़े, हर माँ, हर बेटा, हर बेटी की आवाज है, तो इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में लोगों की आवाज न सुने फिर अंजाम अच्छे नहीं होते हैं। हम यहाँ से दिल्ली निकल पड़े हैं, अगर हमारे मंशा अनुसार हो तो हम ये पूरा सफर उनको धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं। अगर नहीं हो तो फिर हम वहीं पे मांग करते हुए वहीं पे बैठे रहेंगे, अनशन में बैठेंगे, चाहे जितना हमें बैठना पड़े। कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, कोई चीन पाकिस्तान की बात नहीं, सिर्फ भारत के संविधान की बात हो रही है। वैसे तो इस यात्रा में हम हर दिन 25 किलोमीटर करना चाहते हैं, मगर आज शायद देर से शुरू हो, फिर भी कर पाए हमारी उम्मीद है। अगर बहुत देर हुआ तो शायद हो सकता है थोड़ा पहले भी रुकना पड़े, मगर 20 से 25 के बीच में हर दिन चलने का। ये लोग यहाँ जुड़े हुए सर, इसमें बुजुर्ग है, हमने अभी बैठ लिया सर 80 साल 90 साल के बुजुर्ग जी, और जी, यंग से युवा, तो ये जज्बा जो है ये कहाँ से पैदा हो रहा है सर? नहीं, जज्बा तो है, बस सिर्फ उस जज्बे को देखने की जरूरत है हमारे भारत सरकार को, कि ये लद्दाख के हर बच्चे, हर बूढ़े, हर माँ, हर बेटा, हर बेटी की आवाज है, तो इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र में लोगों की आवाज न सुने फिर अंजाम अच्छे नहीं होते हैं। तो जब लोग इतने शांति से पद यात्रा करके, खुद पे पीड़ा उठाकर, 30-30 दिन चलकर अपनी आवाज, अपनी मंशा सुना रहे हैं, और वो भी कोई ऐसा नहीं कि जो भारत के हदों से बाहर हो, ये भारत सरकार के ही, भारत के संविधान में जो 6वां शेड्यूल है, या भारत में जो यूटीज को लेजिस्लेचर या स्टेटहुड दी जाती है, लोकतंत्र दी जाती है, उसी की मांग है। और ये वो बातें हैं जिसका वादा हमारे सरकार ने 2019 से हमसे की थी, और उसके घोषणा पत्रों के अनुसार इलेक्शंस जीते गए। तो याद दिलाने के लिए लोग निकल रहे हैं, तो सरकार को तो बल्कि ये कहना चाहिए, हमसे देरी हो गई, 6 साल देरी हुई, अब हम आपका पूरा मांग करेंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है, जो पिछले दिनों 5 जिलों की घोषणा की, मुझे उम्मीद है कि ये जिले स्वायत्त परिषद वाले ऑटोनमस डेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट होंगे, जैसा कि 6वें शेड्यूल में होता है, ना कि प्रशासनिक जिले जो कि कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ होते हैं। तो हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि डिटेल्स नहीं मिले हैं, तो हम यहाँ से दिल्ली निकल पड़े हैं। अगर हमारे मंशा अनुसार हो तो हम ये पूरा सफर उनको धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं। अगर नहीं हो तो फिर हम वहीं पे मांग करते हुए वहीं पे बैठे रहेंगे, अनशन में बैठेंगे, चाहे जितना हमें बैठना पड़े। सर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण, ये बहुत सारे सेनाएं जोड़ रहे हैं, 2-3 वीर चक्र भी जोड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमने बहुत सारे जंग लड़े, और ये जो सबसे हमारा इनकी मुश्किल जंग जो है 2024 ये वाला जंग है, तो इसको आप किस तरह नजर से? जी, मैं उनके साथ सहमत हूँ। भारत को या किसी भी देश को अपने सीमाओं को सबल और सुरक्षित करना है, और सीमाओं को सबल और सुरक्षित आप फाइटर जेट से और टैंकों तोपों से नहीं, बल्कि जनता से, जो स्थानीय जनता है, उनका दिल आपके साथ हो तो दुश्मन कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये सही कह रहे हैं जो हमारे वीर जवान हैं, जो इस मार्च में जुड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत को पक्का मजबूत बनाने के लिए यहाँ के लोगों की जो बहुत ही, क्या कहेंगे हम, रीजनेबल बातें हैं, जो कि वादे किए गए हैं, उन पर गौर करें तो भारत की सीमाएं और मजबूत होंगे। नहीं तो लोगों में एक दिल में रह जाएगा कि लद्दाख के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाए। पूरे देश में लोकतंत्र है, लोग अपने चुने वोट देने का अधिकार रखते हैं, लद्दाख के लोगों को कोई अधिकार नहीं है वोट देने का, वो अपना सरकार चलाएं और लद्दाख को उस तरह से विकास कराएं या इसका जो मैनेजमेंट करें कि ये आज ही के लिए नहीं, कल के लिए भी खुशहाल रह सके। यहाँ की पर्यावरण, खासकर यहाँ के ग्लेशियर्स, ये सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, पूरे उत्तर भारत के लिए पानी का स्रोत है। तो यही तो चाहते हैं, कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, कोई चीन पाकिस्तान की बात नहीं, सिर्फ भारत के संविधान की बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन सर, 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है सर, और 2 अक्टूबर को दिल्ली में खत्म हो रहा है सर, ये क्या उपदेश है सर? ये क्या मैसेज है सर 2 अक्टूबर जो है? जी, कि ये एक शांतिपूर्ण पद यात्रा है, जैसा हमारे बापू, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी ने दिखाया। तो हम उन्हीं के पद चिन्हों पर इस पद यात्रा पर निकल रहे हैं। 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर राजघाट पर हम इसका
खात्मा करेंगे और हमें उम्मीद है कि तब तक हमारी आवाजें सुन ली जाएंगी और हमें वहां पर उन्हें धन्यवाद करने के लिए ही जाना पड़ेगा।